फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करेंगे ब्लैकबेरी पासपोर्ट का, एक मंथ यूज करने के बाद। मैंने ये togood.com से लिया था, सुपर कंडीशन में मैंने ये परचेज किया था। इसकी कॉस्ट मुझे राउंड अबाउट 6000 पड़ी थी। बात करते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू की। आपको मिलता है एक रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप का टच स्क्रीन जो कि टच भी है। अब बात करते हैं क्वालिटी की। इसके अंदर सेंसर भी दिया गया है, जैसे कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं या कुछ टाइप कर रहे हैं तो आप इससे टच भी कर सकते, टच के थ्रू भी काम करेगा और साइमल्टेनियसली यू कैन टाइप आल्सो। नीचे मिलता है आपको दो स्पीकर्स, साथ में माइक्रो यूएसबी फॉर चार्जिंग, वॉल्यूम रॉकर्स अप एंड डाउन। दिस इज द की फॉर साइलेंट एंड म्यूजिक पर्पस। आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल कैमरा जो कि काफ़ी ठीक है एट दिस प्राइस पॉइंट। आपको एलईडी फ्लैश मिलता है इसके अंदर, ये ऑन ऑफ के लिए बटन और एक आपको 3.5 mm जैक। बात करते हैं फ़ोन की। हम पहले कैमरा देखते हैं। एज यू कैन सी कैमरा की क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है। देखिए इसमें आप अगर आप एक ब्लैकबेरी लवर हैं और अगर आपको कुछ लीक से हट के कुछ फ़ोन चाहिए जो आपके हाथ में लगे, जिसको आप यूज़ करके सबसे लीक से हट के एक अपने आप को प्रेजेंट कर सकें, देन यू कैन गो फॉर ब्लैकबेरी पासपोर्ट। बैटरी बैकअप इज टू ऑसम। अगर मैं इस फ़ोन में नेट यूज़ नहीं करता हूँ तब मेरा ये फ़ोन अगर 2G मोड पर है, 2G मोड में ये मुझे 4 दिन का बैटरी बैकअप आराम से देता है, इसमें कोई शक नहीं है। 4G है इस फ़ोन के अंदर, आपको NFC भी है। बट अब बात करते हैं कॉन्स की। आप इसमें WhatsApp जहाँ तक मैं ट्राई कर रहा हूँ इंस्टॉल हो पा रहा है, रन नहीं हो पा रहा है। देख सकते हैं NFC भी है, 4G चलता है इसके अंदर, कोई विदाउट एनी इश्यू 4G 3G 2G आपको आराम से मिलेगा इसके अंदर। बट द ओनली थिंग विच आई फेल्ट इज कि आप इसमें मैंने एंड्रॉयड ऐप्स डाल रखी हैं बट दे आर नॉट रनिंग, दे आर कीप ऑन क्रैशिंग, क्रैश होती रहती है वो। बट आई एम ए बिगेस्ट ब्लैकबेरी लवर, देखा आपने क्रैश हो गई। मैं इसका कुछ अल्टरनेट देख रहा हूँ बट बिलीव मी गाइज दिस फोन इज ऑसम। अगर आपके हाथ में है ये फ़ोन, सब लोग आपसे पूछते रहेंगे कि कौन सा फ़ोन है और कितने में लिया, यू कैन गो फॉर इट। अब बात करते हैं टू गुड की रिलायबिलिटी पे और क्रेडिबिलिटी पे। गाइज ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट था जो कि मैंने togood.com से परचेस किया था। मुझे ये 2 से 3 दिन के बीच में डिलीवर हो गया, साथ में मुझे आप मेरा इसका अनबॉक्स का वीडियो देख सकते हैं। इसमें togood.com फ्लिपकार्ट की सिस्टर कंसर्न कंपनी है, कोई इश्यू नहीं है। मैंने एक सेकेंड फ़ोन भी परचेज किया था जो कि किसी बग के कारण मेरे पैसे सेलर के पास चले गए और ऑर्डर मेरा लगा नहीं, बट 10 से 15 दिन के बीच में मेरे पास वो पैसा आ गया। तो यू कैन रिलाई ऑन togood.com। ये फ़ोन करंटली आउट ऑफ स्टॉक है बट मैंने जब ये परचेज किया था उस टाइम पे भी आउट ऑफ स्टॉक ही था। बट मैंने इसको ऑर्डर किया था रात को 1 से 2 बजे के बीच में, गॉड नोज व्हाट, उस टाइम पे ओनली सुपर कंडीशन में एक ही हैंडसेट स्टॉक में था जो कि मुझे मिल गया। तो गाइस ये था ब्लैकबेरी पासपोर्ट का रिव्यू। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपका क्वेरी है, आप पोस्ट कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बाय।